हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 को लेकर बड़ी न्यूज आई फ्रेंड्स। ऊपर देख सकते हैं हेडलाइन में कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 10 जिलों में स्टेपल की बजाय ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का होगा इस्तेमाल। मतलब कि 10 जिले ऐसे हैं फ्रेंड्स उसमें जो कि जो कॉपी मिलेगी उसमें स्टेपलर नहीं मरा हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा, आइए इस न्यूज के माध्यम से हम आपको बता देते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूज संबंधित मैं चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर का सब्जेक्ट का वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए न्यूज को देखते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा जो हमारा 2020 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 10 जिलों में सिलाई वाली कॉपी से कराएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बोर्ड को स्टेपल की बजाय सिलाई वाली कॉपियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है, ताकि कॉपियों के पन्नों की हेराफेरी रोकी जा सके। किन जिलों में सिलाई वाली कॉपियों का इस्तेमाल होगा, आइए जानते हैं। यह अभी तय नहीं है। बोर्ड ने राजकीय मंत्रालय को तैयारी रखने को कहा है। देखिए, मतलब कि राजकीय बोर्ड से कहा जा चुका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी सिलाई मशीन वाली कर दीजिएगा। जिलों का नाम तय होने के साथ ही सिलाई वाली कॉपियों की बाइंडिंग शुरू हो जाएगी और सूत्र के अनुसार फिलहाल प्रायोगिक तौर पर सिलाई वाली कॉपियों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में सभी 75 जिलों में सिलाई वाली कॉपियों से ही परीक्षा कराई जाएगी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि दरअसल स्टेपल कॉपियों में पन्ने बदलने की शिकायत मिलती रही। परीक्षा केंद्र पर मेधावी छात्र छात्राओं की कॉपी प्रथम पृष्ठ दूसरे छात्र के बदल देते हैं और कई बार अंदर से पन्नों को बदलने की शिकायत मिलती है। पिछले वर्षों में इसे लेकर कई याचिकाएं हुई और जाँच में हेरा फेरी की पुष्टि होने पर स्कूलों में डिबार भी किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि तौर पर प्रयागराज में ही संगम सिंह सिग्नोर इंटर कॉलेज बेगमपुर कादिलपुर में 2018 की परीक्षाओं दौर पर उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी के कारण इस स्कूल को 2021 तक बोर्ड परीक्षा में डिबार कर दिया गया था। यानी कि आप जान सकते हैं उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था हेराफेरा कॉपी के वजह से। प्रतापगढ़ के प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तानपुर, देखिए तारनपुर संडवा चंडिका में 2017 की परीक्षाओं में हेरा फेरी के कारण 2020 तक की बोर्ड परीक्षाओं का डिबार कर दिया गया है। यानी कि 2020 में भी उसमें सेंटर नहीं जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।